नमस्कार जी, कैसे हो सारे भाई? सारे भाइयों को राम राम। तो यार होप करता हूँ सारे भाई मेरे बढ़िया ही होंगे। तो यार आज फिर एक लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो, जो टाटा नेक्सोन जो 2023 बोल सकते हो उसको या 24 बोल सकते हो, उसका फेसलिफ्ट मतलब फाइनली फुली लीक्ड हो चुका है हमारे पास। उसकी फ्रंट की काफ़ी कैमोफ्लोज वीडियोज़ आ चुकी हैं, मतलब रोड पर भी हमने काफ़ी बार देखी उस गाड़ी को, मतलब माउंटेन्स में और इधर उधर रस्तों में काफ़ी बार देखा है। तो बहुत जगह स्पोर्ट की गई है गाड़ी को। तो उसका भाई फाइनली आपका जो फ्रंट का व्यू है, जो आपका फ्रंट का जो लुक है, वो आपका लीक हो चुका है, फुली लीक्ड हो चुका है। तो भाई हमने, याद करो आपको, पहले एक वीडियो बनाई थी। तो भाई पहले हमने उसकी काफ़ी टाइम, दो एक महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। तो भाई वो भी एक लीक्ड उसकी कैमोफ्लोजिक वीडियो थी। तो भाई उसके बाद इसका फाइनली एक फुली लीक्ड हो चुका है फ्रंट का। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। तो भाई सच में ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, फ्रंट से तो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। तो भाई कुछ कुछ आप देखोगे, ये गाड़ी आपको जो नेक्सोन वो हैरियर की ईवी आती है ना, उसकी आपको देखने को मिलेगी इसमें लुक। तो भाई बने रहना इस वीडियो के एंड तक, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गाड़ी का कितना प्राइस रहने वाला, कब तक आने वाली है और क्या क्यों चीज़ में कलर आने वाले हैं, क्या इंजन रहने वाला है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना भाई। इस वीडियो में देख ही सकते हो टाटा नेक्सोन, ये आपके सामने दिख रही है कैमोफ्लोज वीडियो। तो भाई टाटा नेक्सोन को हमने एक जगह नहीं, काफ़ी जगह इस गाड़ी को सपोर्ट किया है, मतलब पहाड़ों पे भी बोलो, आपको रास्ते में काफ़ी जगह, मुंबई में भी बहुत जगह सपोर्ट की गई है गाड़ी है। दिल्ली में भी इसका एक काफ़ी बड़ा एक लोट मिला था जिसमें टेस्टिंग चल रही थी गाड़ी की। तो भाई गाड़ी हमको देखने में काफ़ी बेहतरीन लगी। तो भाई जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, इस गाड़ी की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ की जा सकती है, बट आप इस वीडियो में देख के साइड व्यू से देखो आप, तो हमको तो ऐसा जैसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि कंपनी की साइड से ऐसा कोई मतलब नोटिफिकेशन या फिर इन्फॉर्मेशन अभी लीक या मतलब दी नहीं गई है कि आपकी गाड़ी की लेंथ और डायमेंशन जो बढ़ाई जाएगी। तो भाई गाड़ी वैसे मतलब आप देखोगे गाड़ी का जो सी पिलर है उसकी हमको लेंथ थोड़ी सी देखने में लग रहा है लंबी लग रही है। तो गाड़ी की, मेरे हिसाब से गाड़ी की लेंथ थोड़ी सी लंबी बढ़ाई गई है, बाकी वैसे कंपनी की साइड से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। तो गाड़ी यार काफ़ी मतलब काफ़ी जगह देखी गई है, गाड़ी काफ़ी बदल दी है, मतलब आगे से आपको काफ़ी कुछ हद तक नहीं देखने को मिलेगी, पीछे से आपको, रियर से, फ्रंट से, दोनों से आपका लुक थोड़ा चेंज मिलेगा इस गाड़ी का। ये जो गाड़ी है, जो हमारी ये नेक्सोन है, तो भाई ये सब 4 मीटर गाड़ी है। तो भाई अगर जो इसकी लेंथ थोड़ी सी भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो भाई ये सब 4 मीटर सेगमेंट से ऊपर सेगमेंट की गाड़ी चली जाएगी। और फिर ऑब्वियस है यार, जब ऊपर सेगमेंट में गाड़ी चली जाएगी तो इसकी कॉस्ट भी थोड़ी इंक्रीज़ होगी। तो भाई ऐसा तो शायद हमारे हिसाब से टाटा नहीं करने वाला है, लेंथ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत तो यार कॉस्मेटिक चेंज करते हैं, तो लेंथ में इंचज़ के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो वही हमको देखने को मिलेगा इसमें। अपने यार वीडियो में जब देखा था गाड़ी को, तो गाड़ी का जो पीछे का जो रियर का सी पिलर होता है, तो वो हमको थोड़ा सा स्ट्रेच दिखा था गाड़ी का। तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी हमको थोड़ी सी स्ट्रेच मिलेगी, मतलब थोड़ी बहुत वीडियो से हिसाब से लगाए तो गाड़ी की लेंथ बढ़ाई गई है या बढ़ाई जा सकती है। तो भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये तो गाड़ी जब हमको आएगी मार्केट में उसके आने के बाद ही पता लगेगा भाई। अब चलो बात करते हैं गाड़ी की आगे के, मतलब जो फ्रंट का लुक है उसके बारे में। तो भाई गाड़ी जो हमारी फ्रंट से काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए गाड़ी में, जैसे कि आपको कुछ याद टाइम पहले पता होगा, गाड़ी टाटा ने अपनी हैरियर को ईवी में लॉन्च किया था, तो मतलब उसकी लॉन्चिंग की गई थी फोटोज़ की और वीडियोज़ की, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लॉन्च की थी उसकी। तो भाई उसको आप देखोगे उस गाड़ी को, तो उस गाड़ी से कुछ मिलता जुलता इंस्पायर्ड इस गाड़ी का भी हमको फ्रंट देखने को मिलेगा, जो हैरियर ईवी है, मतलब जो इसकी पहले थोड़ी राउंडेड शेप आती थी, अब इसमें थोड़ी शार्प एजेस दे दिए गए गाड़ी में। तो भाई अब बात करते हैं, आपके सामने अब जो फोटो आएगी वो आएगी अब इसके फ्रंट जो लीक्ड इमेज है, अब इससे हम अंदाजा लगाते हैं गाड़ी कैसी है। सबसे ऊपर से बात करते हैं हम, ऊपर से सबसे ऊपर से देखोगे आप गाड़ी में, फ्रंट में देखो DRLs में आपको इसको चेंजेस देखने को मिलेगा। DRLs में आपको देखोगे सबसे ऊपर ब्लैक कलर का आपको एक स्लिम सी आपको DRL देखने को मिलेगी। भाई बात करें फ्रंट हेडलाइट की, तो फ्रंट हेडलाइट आपको ऊपर से इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीचे बम्पर पर, जैसे आपको हैरियर और सफारी में मिलता है। तो भाई शार्प एजेस की आपको इसमें नीचे एक लाइट मिलेगी, तो हेडलैम्प तो आपकी बम्पर पे मतलब प्लेस कर दी गई है। तो भाई सामने से देखने गाड़ी भाई काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक लग रही है, एक शार्पी लुक लग रही है, काफ़ी शार्पी, पहले जो राउंडेड लुक थी उसको थोड़ा रिप्लेस करके शार्पी लुक दे दिया गया है। तो भाई फ्रंट से आप काफ़ी हद तक देखोगे आपकी टाटा की जो हैरियर ईवी है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है गाड़ी है, मतलब जो उसका वीडियो और जो फोटोज़ लीक हुई थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इसकी फ्रंट की जो प्रोफाइल है वो रखी गई है इस गाड़ी की। हम इस गाड़ी को फ्रंट से देख के ये भी बोल सकते हैं कि हमारी ये मिनी हैरियर रहने वाली है। भाई बीस्ट लग रही है गाड़ी, फुल बीस्ट लग रही है सामने से देखने में, तो भाई हैरियर से काफ़ी इंस्पायर्ड है गाड़ी ये सामने से। ऐसा भी हो सकता है हेडलैम्प्स की बात करें, तो हेडलैम्प्स आपको इसमें एक जो है
प्रोजेक्टर देखने को मिले और नीचे उसकी फोग लैंप की प्लेसिंग हो, तो भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब फोटो में देखने में लग रहा है कि ये आपके ऊपर एक हेडलैम्प है और नीचे आपका फोग लैंप भी हो सकता है। तो उसके बाद भाई आप ये फ्रंट में दोबारा देखते हो, तो भाई आपको फ्रंट में BYE जो आपकी प्लेट है, नंबर प्लेट, उसके ऊपर आपको कैमरा भी देखने को मिल रहा होगा। तो भाई इस गाड़ी में फ्रंट हमको कैमरा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब जो बोलते हैं फ्रंट कैमरा और एडास हमको इस गाड़ी में मिल सकता है। एडास काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी में हमको मतलब मिलेगा ये एडास, क्योंकि यार सब गाड़ियाँ अपनी गाड़ियों में ना, सब कंपनी अपनी गाड़ियों में एडास को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो भाई टाटा भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं कि आपको इसमें एडास आपको देखने को मिल सकता है, इसमें 360 कैमरा आपको इसमें देखने को मिल सकता है। भाई एडास का तो हम बोल नहीं सकते, पर 360 कैमरा तो ऑब्वियस भाई इस गाड़ी में दिया गया है टॉप एंड वेरियंट में, तो क्योंकि यार आपको फ्रंट में कैमरे की प्लेसिंग मिल जाती है। तो भाई बात करें भैया फ्रंट की, यार फ्रंट से काफ़ी उमदा लग रहा है हमको प्रोडक्ट ये, तो काफ़ी शार्पी आपको एजीज आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी गाड़ी में। बंपर में आप देखोगे काफ़ी शार्प एजीज आपको हैं, मतलब पहले जो आती थी राउंडी सी लुक तो वो नहीं मिलेगी आपको। नीचे की आपकी ग्रिल देखते हो, ग्रिल का डिज़ाइन पूरा ऑलमोस्ट चेंज है। तो भाई जहाँ पे आपका टाटा का सिंबल आता है सामने फ्रंट जो ग्रिल होती है ऊपर वाली ग्रिल, तो वो भी आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगी इसमें। तो भाई नेक्सोन का पहले वाला जो करंट में इस टाइम चल रहा है बलून टाइप राउंडी टाइप, तो वो लुक यार इतना कुछ खास सूट नहीं करता था टू बी ऑनेस्ट। तो भाई ये जो हमको लगेगा ना, ये जो नया फेस लिफ्ट आया है, तो भाई ये काफ़ी अट्रैक्टिव और बीस्ट लगने वाला है। मतलब मिनी हैरियर, हम इसको ईवी हैरियर बोल सकते हैं कम्प्लीटली। तो भाई चेक करने के लिए कि इसमें फोग लैंप हो सकते हैं गाड़ी में या नहीं हो सकते फ्रंट में, तो भाई हम इसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं। तो भाई आपको मेन हेडलाइन तो आपको नज़र में आ रही होगी साफ साफ, तो भाई पर आप नीचे देखोगे आप उसमें कुछ हमको ज़्यादा कुछ एक प्रॉपर वे में नज़र नहीं आ रहा है कि आप इसमें फोग लैंप है या ये हाई बीम या लो बीम का कुछ पार्ट है। तो भाई मोस्टली यार इस गाड़ी में या तो हमको फोग लैंप की प्लेसिंग है नहीं, या फिर हमको इसमें गाड़ी में कॉर्निंग फोग लैंप हमको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, जो कॉर्नर एज टाइप में आपको i20 में मिलते हैं उस टाइप के आपको इसमें फोग लैंप देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में। ये चीज़ कोई कंफर्म हमको हुई नहीं है कि इसमें फोग लैंप है या नहीं है, या इसमें कॉर्नर फोग लैंप आएंगे या नहीं आएंगे, बट हाँ ये चीज़ 100% कंफर्म है कि इसका ऊपर से हेडलाइट का सेटअप हटा दिया गया है, बम्पर पे इसकी प्लेसिंग हैरियर और सवारी की तरह दी गई है। ये भाई अब रियर की, तो रियर में आपको हमने काफ़ी कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी, तो उसमें आपको दिखाया था। तो भाई रियर से आपको इसमें कनेक्टेड टेल लैम्प आपको देखने को मिलेगी, आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं। तो भाई कनेक्टेड टेल लैम्प तो इसमें 100% आने वाली है इस गाड़ी में। तो बात करें आपको पीछे का, आपको वाइपर की थोड़ी मिसिंग लगेगी आपको, तो भाई वाइपर की प्लेसिंग इसमें थोड़ी सी ऊपर की साइड दी गई है। वाइपर इस गाड़ी में मिलेगा बट हमको थोड़ा नई प्लेसिंग मिलेगी वाइपर की। अपर की साइड जो आपका स्पॉइलर होता है रियर स्पॉइलर, तो उसके नीचे आपको इसमें वाइपर की प्लेसिंग मिलेगी इस गाड़ी में। बात करें रियर, तो रियर से यार काफ़ी कुछ चेंज हमको मोस्टली ऑलमोस्ट चेंज मिलेगी गाड़ी आपको पीछे से। तो भाई बात करें आपको रियर में, आपको कैमरा की प्लेसिंग मिल सकती है। आप नीचे देखो टाटा के साइन के नीचे आप रियर पे देखोगे और कैमरे की आपको प्लेसिंग एक इंडिविजुअल दिख जाती है। तो भाई गाड़ी में काफ़ी कॉन्ट्रास्टिक वे में गाड़ी हमको दी गई है, ऊपर से फाइबर, नीचे से आपके फाइबर बॉडी, ऊपर से आपका पेंट व्हाइट कलर का जैसे पेंट दिख रहा है। मतलब काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, बीस्ट लगने वाली गाड़ी ऑलमोस्ट। बात करें भाई रियर साइड की, साइड व्यू की, तो भाई साइड व्यू से आपको काफ़ी इस फोटो में आपको इतनी ज़्यादा कुछ लेंथ आपको देखने को नहीं मिलेगी इस वीडियो में। तो भाई बात करें मैं आपको दूसरी फोटो दिखाऊं, तो आपको दूसरी फोटो में आपको अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी की थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया गाड़ी को, मतलब लेंथ में थोड़ा फ़र्क है गाड़ी का। तो यार टॉप वेरियंट रहा है गाड़ी का, बट यार जब अलॉयज की तरफ आप देखते हैं तो अलॉयज में हमको स्टील रिम मिलते हैं, तो अलॉयज के हिसाब से ये गाड़ी का बेस वेरिएंट या मिडल वेरिएंट हो सकता है गाड़ी का। तो भाई बात करें अलॉयज तो इसमें आने वाले हैं, या फिर टेस्टिंग के दौरान आपको अलॉयज नहीं देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में, क्योंकि मे बी अलॉयज की टेस्टिंग नहीं हुई है इस टाइम। बट आपको इस गाड़ी में ओबियस है भाई आपको ब्लेड कट अलॉय व्हील, इसको इसमें डॉल टोन के ब्लेड कट अलॉय व्हील आपको इस गाड़ी में देखने को मिल सकते हैं। भाई हम बात कर चुके हैं अब रियर की, फ्रंट की और साइड की, तो बात करते हैं भाई इंटीरियर की। इंटीरियर की हमने इस पर काफ़ी दिन से वीडियोस हमको लीक होने लग रही है रॉयल क्रूजर भाई के साथ से भी, और काफ़ी कुछ वीडियोस में हमको फोटोज़ हमको ऑनलाइन मतलब काफ़ी कुछ मतलब लीक्ड हो चुका है इसका गाड़ी का। तो भाई बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको कुछ आपका पर्पल कलर का आपको इंटीरियर इसमें देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, जैसे ही हम दिखा दें आपको, तो पर्पल कलर का इसमें इंटीरियर इस गाड़ी में। तो आप मिडल में देखोगे भाई गाड़ी मतलब पर्पल यार यूनिक है, टाटा ने इस बार यूनिकनेस कुछ दिखाई है अपनी गाड़ी में। पर्पल अब तक हमने किसी भी इंडियन ब्रांड में या फिर जो इंडियन लॉन्च कार है उसमें किसी में भी हमको पर्पल कलर का इंटीरियर नहीं मिला है। मे बी ये कुछ नया एक टेस्ट या मतलब कुछ नया लॉन्च होगा टाटा का। और बात करें मिड सेंटर में, सेंटर में आपको एक ब्लूटूथ या आपको नोब मिल जाता है गियर को कंट्रोल करने का, स्पोर्ट्स मोड में कंट्रोल करने का
आपको इसमें नोब मिल जाता है सेंटर में। स्टेयरिंग व्हील पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। तो बात करें डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन क्या कुछ रहने वाली है, तो आपकी स्पीड, आपका सॉन्ग्स, ट्रैक चेंजेस, वॉल्यूम अप डाउन, आपको स्पीडोमीटर की आपको स्पीड मिल सकती है तो इसमें, या आपका एसी के कंट्रोलर मिल सकते हैं आपको इसमें। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ बढ़िया एक फंक्शनिंग मिलेगी टाटा की साइड से। और यार ये भी एक उमदा, एक मतलब नया एक यूनिक अपडेट टाटा की साइड से आया जो अब तक किसी भी गाड़ी में, इंडियन ब्रांड की गाड़ी में किसी में नहीं लॉन्च हुआ है। तो टाटा इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रही है। स्टीयरिंग में आपको डिस्प्ले मिलेगी इस गाड़ी में। ये थी आपके लिए एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन टाटा नेक्सॉन के बारे में 2023 या 24, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो भाई गाड़ी आपको कुछ हद तक आपको टाटा की हैरियर की ईवी जैसी देखने को मिलेगी। तो भाई ये कुछ भी हो सकता है, टाटा का सिग्नेचर फेसलिफ्ट हो सकता है या फिर सिग्नेचर डिज़ाइन हो सकता है। कि ये होता है ना जैसे आपका फॉक्सवैगन मोस्टली आपको फ्रंट से गाड़ियों को एक जैसा रखता है सामने से, तो भाई ऐसा कुछ टाटा इंट्रोड्यूस करने वाला है। और ऑलमोस्ट आपको टाटा की हैरियर और सफारी भी आपको 2024 में इसी फेसलिफ्ट में ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, बस यही थी एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।